जहां सुधार किया जाएगा वहीं समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, वो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं, और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। औचित्य यह है कि हमें अपनी बात रखनी जनता के बीच में। डेमोक्रेसी में और इलेक्शन कैंपेन में जो आप अपना मुद्दा है वो लेकर के जा रहे हैं तो इस मुद्दे को हम जनता के बीच में और घर घर जाना चाहते हैं। हमारे प्रत्याशी आज कैसे प्रचार करेंगे जहां इतने नियमों का पालन करना है, बड़ी बड़ी रैलियां नहीं हो पा रही हैं। हमारी कोशिश है कि जैसे ही पाबंदियां हटें नियम बदलें, मैं समाजवादी विजय रथ की अनुमति मांगूं और खाली अकेले ही चलना पड़े उसके लिए भी अनुमति मांगूंगा, लेकिन जब तक नियम वही हैं, नियम जब पुराने हैं जो चुनाव आयोग ने नियम बनाए हैं उनका पालन करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और जो लोग हैं अगर 300 यूनिट मुफ्त पाना चाहते हैं तो फॉर्म भरवाएं, अपना नाम लिखवाएं। और नाम इसलिए ज़रूरी है कि जो बिल में नाम आता है, बिल में जो नाम आता है वही नाम ज़रूरी है। तब तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कभी चुनाव नहीं लड़ सकती। अगर इस तरह के पीआईएल किए जाए और भारतीय जनता पार्टी से स्पॉन्सर्ड पीआईएल हो तो भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ ही नहीं सकती थी। क्या मुख्यमंत्री जी ने जो अपना एफिडेविट लगाया है उन पे क्या कम धाराएं हैं? जो डिप्टी सीएम है उन पे कम धाराएं हैं? जो अभी जानकारी मिली है सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों में कोई विधायक अगर विधानसभा में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाए हैं। और हमने आपने खुलेआम देखा है सांसद विधायक में कितनी मार पिटाई हुई और वो भी गिने गए, रोक रोक करके टीवी के लोगों ने दिखाया कि देखिए गिनिए 1 2 3 4। तो इनकी तो पार्टी की मान्यता पहले ही रद्द होने जानी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री जी पे जो मुकदमे हैं उन मुकदमों को देख करके क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं ये फैसला लेना चाहिए था? और वो तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ही नहीं थे। जिनके पास बिजली का कनेक्शन है, ये बात कनेक्शन की हो रही है, घर पे किराए पे रह रहे उसकी बात नहीं हो रही है। तो अगर आप किराए पे भी रह रहे हो, बिजली का कनेक्शन है, मैं आपसे कहना चाहता हूं ये बिजली का कनेक्शन अगर आपके नाम पर है, जिस बिल को आप भरते हैं बिल के ऊपर जो नाम है वो आप नाम इस फॉर्म में जमा कराइए। कल से समाजवादी पार्टी इस अभियान को शुरू कर रही है। नहीं, मैं पहले इनका सवाल ले रहा हूं।
देखिए देखिए जो समाजवादी पार्टी के ऊपर कई लोगों पर झूठे मुकदमे हैं और इतने झूठे मुकदमे हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हमारी पार्टी के कई नेताओं पर, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे मुकदमे लगाए गए। मैंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका उदाहरण दिया कि एक जिलाधिकारी जो रामपुर के थे वो आउट ऑफ स्टेट से आए थे, उन्हें अपना एक्सटेंशन चाहिए था, उन्होंने सरकार की पूरी मन मर्जी के साथ काम किया और न जाने कितने मुकदमे लगाए रामपुर में। एक आईपीएस एक दूसरे आईपीएस पर आरोप थे और इस बात का आरोप था, यह कोई पॉलिटिकल पार्टी का आरोप नहीं था, एक आईपीएस दूसरे आईपीएस पर आरोप लगा रहा था कि पैसे से पोस्टिंग हो रही है, पैसे से ट्रांसफर हुआ है। उस आईपीएस की जांच खत्म करने के लिए रामपुर भेजा गया। समाजवादी पार्टी पे पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा झूठे मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उसी में, उसी कड़ी में नाहिद हसन भी आते हैं। आपको क्या लग रहा है समाजवादी पार्टी के सभी नेता सदस्य यहां बैठे हैं, हमारे बाईं तरफ अब्दुल्ला है और उनके बाईं तरफ वो हैं जो यूथ नया हमारे समर्थन दे रहे हैं। ये लड़ाई लगातार लड़नी पड़ेगी, इनको फंसाने में कांग्रेस बीजेपी दोनों एक थे। आप जानकारी कर लीजिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर बिजली पर रहेंगे तो ज्यादा आप जनता की मदद कर सकेंगे और मदद कर पाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कुछ साथी ऐसे हैं वो भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रटे हैं अभी तक। बताइए ये समाजवादी पार्टी की ऑनलाइन भी करेंगे, फिजिकली भी डोर टू डोर हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जाएंगे, आम जनता से अपील करेंगे कि समाजवादी पार्टी का इसमें सहयोग करें। इसीलिए मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास कनेक्शन है, बिजली नहीं आई लेकिन पता नहीं मीटर की रफ्तार क्या थी। और अगर अभी और हाँ, ये बहुत अच्छी जानकारी दी इन्होंने, सरकार ने पिछले कुछ महीनों से बिजली का बिल नहीं भेजा है लोगों को, और बिल इसलिए नहीं भेजा है कि सरकार को ये पता है कि बिजली के बिल बड़े बड़े पैमाने पर लोगों के जाने हैं। जिन्होंने बिजली नहीं ली, जलाई नहीं, मीटर नहीं चले, उन पे हजारों के बिल आ रहे हैं। सरकार ने जानबूझ करके बिजली के बिल नहीं भेजे, क्योंकि बिजली का बिल भेज दिया तो जनता ऐसा करंट मारेगी इनको, इतना करंट लगेगा कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। पहले हमारा कार्यक्रम ये चल रहा है 300 यूनिट का फ्री, और बिजली का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कैसे बढ़े। कौन कौन कह रहा है? उनका जवाब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष देंगे। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका जवाब देंगे। और अगर उन्होंने अन्नदाताओं को आतंकवादी कहा, कौन नहीं जानता कि अन्नदाता को आतंकवादी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, तो फिर आतंकवादी अन्न क्यों खाते हैं? ये खाना छोड़ दें, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बताएं, किसी बात को कहने से पहले क्या उन्होंने अपने संकल्प पत्र में नहीं लिखा था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? अभी भी जब चुनाव में जा रहे हैं
बहुत सारे चीनी मिलों ने किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं किया है। पूरे उत्तर प्रदेश में धान की लूट हुई। पूरे उत्तर प्रदेश में जिन किसानों की फसल का नुकसान हुआ, चाहे ओलावृष्टि से या किसी कारण या जानवर से, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं दिया गया, किसी की मदद नहीं की गई। और आज महंगाई के कारण किसानों की कमाई आधी हो गई है। तो इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी कब देगी? बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश की गाय मां भूखी हैं। अगर आपके पास सुझाव हो तो जरूर दीजिए, उसको भी शामिल करेंगे जो मैनिफेस्टो में हम शामिल करने जा रहे हैं। रिपब्लिक का सर्वे आया है तो इंटू टू कर दो तो कितनी हो गई सीटें बताओ। नहीं, अगर इंटू टू किया कितनी दी हमारी, तो लगता है इंटू टू थ्री करना पड़ेगा। और अगर आपको अभी भी नहीं लगता 400, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए। नहीं नहीं, वो जानते नहीं, रिपब्लिक वाले, वो रिपब्लिक वाले जानते नहीं हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ आ गए, महान दल साथ है, ओम प्रकाश राजभर जी साथ हैं, उनके साथ कितना अन्याय हो रहा है अपना दल कृष्णा पटेल जी के साथ। जैसे ही समाजवादी पार्टी में उनके दल का गठबंधन हुआ, मुकदमे खुल गए, ट्रस्ट को लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उन पे भी न जाने कितनी कार्रवाई हो रही। इस सरकार को हो क्या जाता है? सरकार क्यों डरी हुई है? अगर इन समाजों के लिए उन्होंने कुछ काम किया होता तो सरकार को एजेंसियों का सहारा नहीं लेना पड़ता। आज हर वर्ग के लोग दुखी हैं। आरएलडी है हमारे साथ, तो अब 400 आने में क्या कमी है? और जनता नाराज है, जनता नाराज है अभी भी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।